गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम लोग पढ़ रहे थे क्या, पाठ आठ है ना, मित्र को पत्र। पाठ आठ मित्र को पत्र हम लोग पढ़ रहे थे। ठीक है बच्चों, आज हम लोग आगे पढ़ते हैं। ठीक ना, मित्र को पत्र, यानी कि मैंने जो आशीष था वो अपने मित्र जोसेफ को क्या कर रहा था, वो पत्र लिखा, क्योंकि उन्होंने जो आशीष था वो कहाँ, वो उदयपुर। ठीक है, वो उदयपुर, चित्तौड़, अजमेर, सभी जगह ये घूम कर आया होता। ठीक है, अब देखिए तो क्या था श्री कृष्ण, तो वो जो जोसेफ था वो क्या करना चाहता था, मीरा के बारे में जानना चाहता था। ठीक है, आशीष उसी के बारे में वो पत्र लिख रहा है। जोसेफ, तुम्हें यह तो पता ही है कि भारत में लड़कियों की कम उम्र में शादी कर दी जाती थी। आशीष ने जोसेफ को बताया, तुम्हें तो ये पता है ना, है कि भारत की लड़कियों की कम उम्र में ही पहले के लोग क्या करते थे, कम उम्र में ही क्या करते, शादी कर दी जाती थी। ठीक है, पर क्योंकि ये जो आशीष लिख रहा है, जोसेफ को जो पत्र लिख रहा है, ये मीराबाई के बारे में लिख रहा है। ठीक है, मीराबाई क्योंकि वो बचपन से क्या होती है, कृष्ण की भक्तिन थी, वो हमेशा वो क्या करती, कृष्ण की आराधना किया करती थी, है ना, इस तरह से। अब जैसे जैसे मीरा बड़ी हुई, है ना, बड़ी हुई तो क्या, श्री कृष्ण के प्रति इसका प्रेम बढ़ता गया। ये श्री कृष्ण की मूर्ति को सामने रखकर उसके सामने स्वयं ही प्रश्न करती और स्वयं ही करती, माने कृष्ण से शुरू से बचपन से क्या करती थी, लगाव रखती थी। ठीक है, उसका लगाव था कृष्ण के। ठीक है, तो जोसेफ को तो आशीष ने जोसेफ को समझा रहा पत्र के द्वारा कि तुम्हें यह पता होगा, पता ही है कि भारत में लड़कियों की कम उम्र में शादी कर दी जाती थी। पहले के लोग क्या थे, शिक्षित नहीं थे, जिसके कारण क्या होता, लड़कियों को पढ़ने नहीं देते थे, है ना, और उसे कम उम्र में ही क्या करते थे, शादी कर देते थे। लेकिन बच्चों, अब तो लोग पढ़ते हैं, है ना, अच्छे जॉब करते हैं। ठीक है, मीराबाई का विवाह भी कम उम्र में ही चित्तौड़ के महाराजा राणा सिंह के पुत्र भोजराज के साथ हुआ। देखिए, मीराबाई का विवाह भी क्या हो जाए, कम उम्र में, है ना, चित्तौड़ के महाराजा राणा सांगा के पुत्र किसके, भोजराज के साथ हुआ। बच्चों, ये जो आप पढ़ेंगे, अगर बुक पढ़ेंगे तो आपका इनसाइड क्वेश्चन जो टेस्ट में पूछा जाता है, आप आसानी से लिख सकते हो। ठीक है, ध्यान से। ठीक है, मीराबाई का विवाह भी कम उम्र में ही चित्तौड़ के महाराजा राणा सांगा के पुत्र भोजराज के साथ हुआ। यहाँ मीरा महारानी मीरा थी, पर इनको राशि ठाट बाट में कोई रुचि नहीं थी। मैंने आशीष ने पत्र के द्वारा जोसेफ को समझा रहा कि मीराबाई का विवाह जो है क्या, कम उम्र में ही चित्तौड़ के महाराजा, है ना, चित्तौड़ के महाराजा राणा सांगा के पुत्र किसे हुई, भोजराज के साथ हुआ था, है ना। यहाँ मीरा महारानी मीरा थी, क्योंकि भाई राजा ही थे वो, है ना, महाराजा थे वो। ठीक है, मैंने ठाट बाट मतलब सब कुछ, धन दौलत सुख, है ना, सुख समृद्धि से संपन्न परिवार था जहाँ मीराबाई का जन्म, मतलब सॉरी, जहाँ उनकी शादी हुई थी। ठीक है, अच्छा, यहाँ मीरा महारानी मीरा थी, पर इनको राशि ठाट बाट में कोई रुचि नहीं थी। मैं नौकर चाकर ठाट बाट सामान बहुत तरह का, लेकिन इन्होंने क्या किया, इसे कोई रुचि नहीं थी, कोई रुचि इनको नहीं थी। हाँ, तो उनको कोई रुचि नहीं थी उनको। ठीक है, मैंने उनके ऊपर क्या, नौकर चाकर, है ना, हर एक तरह से सुख सुविधाओं, है ना, सुख मैंने एकदम समृद्धि से संपन्न परिवार में उनका विवाह हुआ, लेकिन उन्हें क्या हो जाएगा, मैंने जगह जगह पर क्या, नौकर चाकर उनके सेवा करने के लिए तत्पर थे, लेकिन क्या होता है, उसे क्या, उनकी राशि ठाट बाट में कोई रुचि नहीं थी, है ना, कोई रुचि नहीं थी, क्योंकि वो हमेशा क्या होता, कृष्ण के भक्ति में लीन रहती थी वो। ठीक है, एक आज्ञाकारी पत्नी की भांति मीरा अपने पति की प्रत्येक बात को मानती थी, है ना, एक आज्ञाकारी पत्नी की भांति मीरा अपने पति की प्रत्येक बात को मानती थी। लेकिन इतना कुछ रुचि नहीं थी, लेकिन वो अपने पति को पति जो मानती थी, और एक आज्ञाकारी पत्नी के नाते वो जो होता है, जो पति की सेवा करना, है ना, उनके बातों को मानना, उनका ख्याल रखना, ठीक है, इस तरह से वो सभी बातें मानती थी। किंतु शाम होते ही श्री कृष्ण के भक्ति में डूब जाती थी। वो सभी काम ठीक करती थी, अपने पति को मानती थी, अपने परिवार को देखती थी, अपने परिवार के सगे संबंधियों को मानती थी, है ना, लेकिन क्या, तो शाम होते ही क्या होता है, श्री कृष्ण के भक्ति में वो डूब जाती थी, है ना, शाम में वो श्री कृष्ण के भक्ति में डूब जाती थी। परिवार वाले मना करते थे, भाई परिवार वाले मना करते थे, क्योंकि इतनी बड़ी घराने की बहू, है ना, इस तरह से अगर शाम में मतलब इस तरह से करें, है ना, तो क्या होता है, लोग परिवार वाले मना करते थे।
पर यह कृष्ण के अतिरिक्त किसी के समक्ष सिर नहीं झुकाती थी। ये कृष्ण के समक्ष किसी के मन क्या होता सिर नहीं झुकाती थी, ठीक ना, झुकाती थी। लोग परिवार वाले मना करते थे कि इस तरह का कार्य ना करे, बिल्कुल ना करे, लेकिन क्या होता वो मना नहीं करते, पर ये श्री कृष्ण के अतिरिक्त किसी के समक्ष वो सिर नहीं झुकाती थी। और तो और अपनी कुल देवी माँ दुर्गा के समक्ष भी इन्होंने सिर झुकाने से मना कर दिया। उनकी जो कुल देवी होती है, हर एक क्या होता कुल देवी होता है ना, तो क्या होता उनकी जो कुल देवी थी माँ दुर्गा है ना, उनके ससुराल की जो कुल देवी थी उनके समक्ष भी इन्होंने क्या किया, सिर झुकाना मना कर दिया, सिर झुकाने से मना कर दी है ना। अच्छा, क्योंकि ये सिर्फ सिर झुकाती थी, किसमें झुकाती थी, श्री कृष्ण के अतिरिक्त किसी के सामने सिर नहीं झुकाती थी, ठीक है। ये कहती थी, ये हमेशा कहती थी